वो अपने लिए ही होता है, दूसरों के लिए नहीं होता। भले कोई मर जाए किसी के लिए वो बात दूसरी है, वह खाते या पूछते, परंतु प्रेम होता अपने लिए ही। ये तत्व सुशिक्षण जो है वृंदावनियों का, उसका भी अर्थ यही है। वे सुखी होंगे तो उनके सुख को देखकर मैं सुखी होंगे, अंत में सुख तो मेरी बात आ रही। इसी का नाम प्रियता है। प्रियता माने आत्मरूप। अस्थि भाति प्रिय स्वित अश्मि, प्रिय माने प्रिय, आनंद। हाँ, आनंद आनंद मैं ही हूं। मैं दूसरे के आनंद के लिए कोई काम नहीं करता, उसको आनंद देने की भ्रांति हो चाहे भाव हो, पर आनंद अपने को ही होता है। अपने को छोड़कर आनंद और कहीं नहीं जाता। हमारा सुख आगे भी कभी नहीं रहता, सुजोरी में कभी नहीं रहता। ये असी अश्मी पद का जो अर्थ है वही प्रिय पद का। ये दोनों तरह का है, व्याकरण अकर्मक भी हो सकता है। प्रिय प्रिय आनंद से भर रहा, फलक रहा है। प्रिय प्रियवासी तृप्ति दे रहा। ये जो कहते हैं कि हम उनके सुख में सुखी होते हैं, ये हमारा बड़ा ऊंचा भाव है, वो उपासना के लिए ठीक है, क्योंकि हम उनको उनको क्या सुखी बना रहे हैं, अपना मानते हैं, उनको सुख पहुंचाने में हमको सुख है। इसलिए हम अग्नि संभव नहीं बता रही है। अन्य इच्छा नवीन इच्छा विषय पर दूसरे के लिए नहीं होता, सुख हमेशा अपने लिए होता। सुख हो रहा है, उनकी पहचान क्या हो रही है, वो ही अनुभव ठीक है। मरीज डॉक्टर निष्काम भाव से रोगी की चिकित्सा करता है, तो उसमें डॉक्टर को क्या सोचते हैं? उसको तो अपनी डॉक्टरी के सदुपयोग का जो सुख मिला, निस्वार्थता ने उस सुख में चार साथ जोड़। कहते एक डॉक्टर निष्काम ढंग से रोगी की चिकित्सा करता है, तो उसको अपनी डॉक्टरी का निस्वार्थ सदुपयोग करने से बहुत बड़ा सुख हुआ। वही व्यवहार में सबसे बड़ा सुख, पूजा उजा करने का नहीं, मंत्र जप करने का नहीं, ठीक ठीक संध्या वंदन करने का जो सुख है, जिससे न गोलोक मिलता है, न वैकुंठ, न स्वर्ग, न अभ्युदय, न निःश्रेयस, जिस न संध्या वंदन का सुख नहीं होता। न करने में अभुभाव अब जैसे राम राम आज आप न दें तो आपको कोई काम नहीं दे, और आज संध्या वंदन करके गए तो जब न करो तो काम नहीं, कुछ चढ़ने लायक नहीं है। आप सुधार सकते हैं, दुनिया का एक बाल भी सुधार। राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, कितने अवतार हो, महात्मा हो, एक बाल भी दुनिया का सुधरा हो जिस दिन श्री कृष्ण भगवान का चरणारविंद अति से उठा, उस दिन कलयुग का उसी क्षण जस्मिन नहानि जर्ये भगवान उत्सर्जगाम सदा कवि संप्रवस्था, एक क्षण भी श्री कृष्ण के द्वारा किया हुआ धर्म स्थापन टीका नहीं, उनके परिवार में नहीं टीका, उनके जीवन काल में उनके परिवार में धर्म स्थापन नहीं हुआ। तो धर्म स्थापन है क्या, आपसे तो कहना पड़ेगा। तो यही है कि जब उनका चरित्र पढ़ करके, उनकी लीला पढ़ के, चरित्र पढ़ के, सुन के, गुण के, जो अपने हृदय में पवित्रता आती है, वही धर्म स्थापन है। हनुमान प्रसाद जी सुन रहे थे बाद था हमको इस समय से दस दस घंटे बोल के नहीं करवाते पूरे से।
बात बात के लोग नहीं सत्ता सत्ता बिल्कुल पंडाल बनाता और देख खाना के पीछे गोरखपुर सन्यासी होने के बाद तो भाई जी ने उठ के कहा कि इन्होंने एक अच्छा नहीं छोड़ा है मैं पुस्तक देख कर रहा चिल्ला के नहीं एक आदमी उठ के खड़ा हो यही प्रश्न कर दिया श्री कृष्ण ने क्या धर्म स्थापन किया जब उनके परिवार में ही मारना पड़ा इतना क्लेश हुआ और बदनाम है श्री कृष्ण को मारना पड़ा अपने परिवार के लोगों को तो भाई जी बोले पीछे पूछना पीछे पूछना पीछे पूछना मैंने कहा भाई जी पूछ रहा है इस समय हमको बोल दे दो पीछे पूछने का क्या करूंगा पानी बेच दिया यही हाँ यही जवाब है आपने संन्यास के बाद जो पहले पूर्व वृत्ति से जो संत है वो भविष्य वृत्ति से पापानुवर्ती हो गए पहले तो सज्जन थे लेकिन युग के प्रभाव से उन्हें भी पहले बड़े विवेक वैराग्य से संन्यास ग्रहण किया और पीछे मठाधिपति हो गए मठाधिपति को अपना पाप मठपति होना जो है मठा बिल्कुल भागवत में उनके शंकराचार्य के वचन में लिखा पौरोहित्यम रजनी चरितम नाथापत्यम ये सब शंकराचार्य जी ने जो तो श्लोक बोल रहे हैं ब्राह्मणित्व गांव का पुरोहित ग्राम याजक होना और माठापत्यम मठपति होना ये सुप है उन्होंने लिखा है उन्होंने हे भगवान ये हमको जन्म जन्म में मत देना मा भूत जन्म जन्मांतरे भी शंकरात में क्षमा परागन शिव शिव क्षमा परागन शंकराचार्य के पास कुछ नहीं था सब उनके नाम से और ये तांत्रिक शंकराचार्य दूसरे थे और हमारे औपनिषद शंकराचार्य दूसरे थे दोनों की परंपरा बिल्कुल अलग अलग है मिला दीजिए तो नारायण समारंभाम हमारी संप्रदाय सदाशिव समारंभाम ये तो जब लौकिक काम हुआ हमारी प्रतिष्ठा हो जस भरे विद्या भरे खास करके कवित्व के लिए विद्या के लिए यश प्रतिष्ठा के लिए लोगों ने विद्यारण्य स्वामी के बाद ही तांत्रिकत्व है पहले का तो सब सब आरोप है वर्तमान में कोई ऐसी चीज अपने मन में बैठा हो तुम्हारे लिए बोल रहा हूं माने ऐसे श्याम सुंदर मुरली मनोहर राधा वल्लभ भगवान को वर्तमान में भर लो तो हरी सराय रही मलखी आप पथिक फिर जाए तो फिर भूत की स्मृति और भविष्य की कल्पना दोनों ही छूट जाएगी ये बात भागवत में यस्याम वै श्रूय माणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापहा शोक माने भूत के लिए जो शोक होता है ऐसा हो गया और वर्तमान के लिए मोह होता है और भविष्य के लिए भय होता है तो यदि कोई देखो हमने पहले तो वेदांत की बात की अब भक्ति की बात कर देते हैं अच्छा तो यदि अपने हृदय को इसे एक तो ऐसा स्तब्ध होकर के वेदांत की दृष्टि से अपनी ब्रह्मता में ऐसी स्तब्ध स्थिति हो कि वृक्ष युवतिष्ठा से छिद्यमानो न कुप्येत न कंपेत उपल युवतिष्ठा से छिद्यमानो न कुप्येत पेड़ की तरह पत्थर की तरह अपनी अद्वितीय स्तब्धता का अनुभव होने लगे शरीर हिलता हिले करता है करे परंतु मैं तो अद्वितीय ब्रह्म के रूप में स्तब्ध ही बैठा हूँ नीरव नीरव निस्पंद वेदांत ये तो वेदांत की दृष्टि हो गई और मैंने तो इसी समय भरी सराय रही बदकी अपने हृदय को भगवान से भर ले
आज कोई कह रहा था कि ब्राह्मण के हृदय में लोग ज्यादा दक्षिणा चाहते हैं। मैंने कहा तुम्हारे हृदय में भी धन के प्रति लोग है तो उसको देना नहीं चाहते हो। तो बात तो वही हुई, जहां लोभ की उत्पत्ति हुई तो लोभ वृत्ति यदि वहां दिखती है तो यहां जरूर हो सकता है, और कोई करे तो, और नहीं करे तो सकाम भी हो सकता है। उससे तो सारा यजुर्विधान सुनते ही गायत्री से क्या क्या मिले किसके लिए है, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण भी जो पहले ब्रह्मास्त्र वगैरह का होता था, भारद्वास्त्र आग्नेयास्त्र सब गायत्री से होता, और ऋषियों में जो शक्ति थी वो गायत्री की ऐसा बड़ा होता था। भाव से करना माने निष्काम होने के लिए, और निष्काम होकर करना ज्ञान होने पर करना, ज्ञान होने पर करना निष्काम होकर करना होता। एक सज्जन थे गुरुजी चंद्र प्रसाद, उन्होंने 3.5 करोड़ हरे राम मंत्र का जप किया नागपुर में रखते थे गुरुजी चंद्र प्रसाद रखा भाई हनुमान प्रसाद जी के कुछ ऐसे मित्रों में, तो वहां आए तो उन्होंने कहा हमने 3.5 करोड़ पूरा कर दिया, ठीक है भगवान का दर्शन तो नहीं हुआ। पहली बात तो यह है कि उस उपनिषद में ये नहीं लिखा है कि 3.5 करोड़ जप करने से भगवान का दर्शन होता है, ये लिखा है कि मुच्यते मुक्ति हो जाती है। दूसरी बात यह है कि कितनी बार बीमारी होने पर और बेटे के बीमार होने पर और सरकारी आपत्ति आने पर तुम्हारे मन में आया कि हे गायत्री हे मंत्र जप, मैंने ये जप किया इसके फलस्वरूप तुमको पुलिस छोड़ दे शरीर का रोग दूर हो जाए, बीच बीच में सकाम भी तो होता रहा। किसी से संध्या बंधन में सबसे बढ़िया बात यह है कि वो रोज रोज पूरा हो जाता है, रोज संकल्प करो तो रोज पूरा हो जाता है, और दोनों में संकल्प यही होता है कि रात में जो पाप हुआ है वो नष्ट हो जाए, दिन में जो पाप हुआ है वो नष्ट हो जाए, वो आपका करण शुद्धि की दृष्टि से संध्या बंधन जो है उसका संकल्प करो। यदन्ना पापमकाशम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पदभ्याम उदरे अहस्तलवलोक रात्रिस्तलवलोक, चार है उसके ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जिज्ञासा की प्राप्ति के लिए, अंतकरण की शुद्धि के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए और कर्तव्य पालन के लिए, पांच भगवत प्राप्ति मैंने जोड़ दिया क्योंकि विचार के प्रसंग में वो नहीं आता है। क्या आप विचार करोगे सालग्राम की मूर्ति पर जब जल प्रभाव चढ़ाओगे तो क्या विचार करोगे कि यही तत्वाभिमानी भूतानी जानी थी, उसको तो भाव करना पड़ता है। अच्छा, और उस भाव से कुछ होता न हो वो बात नहीं है, उस भाव से तो अपना हृदय ही भगवदाकार हो जाता है, क्योंकि तो जगत का बीज है गोल गोल भी है वो, जैसे सुपारी का फल कितना भी आधा केड़ा हो बीच में से गोल गोल सुपारी निकलती है, वैसे संसार कितना भी आधा केड़ा हो उसके मूल में गोल गोल सालग्राम। तो अब देखो सालग्राम का ध्यान करने में दुनिया का ध्यान छूट जाएगा, हाथ पांव में चित्त की स्थिति होने से समाधि हो जाएगी, जगत बीज है, और जैसे हम दो हाथ वाले हैं दो पांव वाले हैं वैसे भगवान का ध्यान करने पर पिता का ध्यान होगा या स्वामी का ध्यान होगा या मित्र का ध्यान होगा या पुत्र का ध्यान होगा या पति का ध्यान होगा, संबंध साकार ध्यान में
संबंध बनाने का ज्ञान होगा, चाहे स्वामी बनाओ चाहे व्यक्ति बनाओ। और सालग्राम का ध्यान करने में समाधि का नहीं जगत कारण का ध्यान होगा। मुहान मिट्टी है, न पानी है, न आग है, न हवा है, न आकाश का विस्तार है, केवल मनोमयी एक गोली तुम्हारे हृदय में बैठी हुई है, वो प्रपंच का संकोच नहीं है। इसलिए ऐसा कोई वैष्णव संप्रदाय नहीं है जिसमें सालग्राम की उपासना न हो। कोई रामानुज माध्यवान अम्बान रामानंदी बल्लभी सब सालग्राम सेवा जरूर करते हैं, क्योंकि उसी में से पहले उनके भगवान जो है वो महाप्रलय में उसी रूप में रहते हैं। गोपाल शास्त्र नाम में तो गुली गोली भगवान का नाम भी है, गुली गोली सतना पुराणों का है, विष्णु सतना महाकाल, उसकी व्याख्या भी कई आचार्यों ने की है, आदि शंकराचार्य ने भी की है। शंकराचार्य ने की है इतना काफी रहता है हम लोगों के लिए,